हेलो एंड वेलकम टू देवरूपास डिलीशियस संडे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ मसाला आलू कुलचा की रेसिपी। घर पे इजी तरीके से कैसे मैं मसाला आलू कुलचा बनाती हूँ वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं मसाला आलू कुलचा बनाने की विधि। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा, आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून खाने का सोडा, 2 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबल स्पून ऑफ कर्ड। अब इन्हें मैं हाथों से मिक्स करके एक डो बना लूंगी। सॉफ्ट डो बनने के बाद मिनिमम 30 मिनट्स के लिए एक वेट क्लोथ लेके इसे मैं कवर करके रख दूंगी। अब मैं स्टफिंग के लिए मसाला आलू तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 से 3 बॉयल किया हुआ आलू को मैंने मैश कर लिया है, और 1/2 कप चॉप किया हुआ अनियन, थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोरिएंडर लीव्स, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप किया हुआ, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये आलू हमारा तैयार है। अब हम डो को देख लेते हैं कि तैयार हुआ कि नहीं। 30 मिनट के बाद एक प्लेट लेंगे और हाथों से डो को स्प्रेड कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। मैंने प्लेट में स्प्रेड कर लिया है डो को, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, 1 टीस्पून बटर, और फिर उसे भी हम स्प्रेड कर लेंगे, और फिर से हल्के से हम थोड़ा डो को हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। इससे डो जो है हाथों में लगेगा कम और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम एक लोई लेंगे और उसे हाथों से गोल कर लेंगे, जैसे हम पूरी बनाते हैं, पूरी कचौड़ी, वैसे ही हम एक लोई लेंगे और बीच में थोड़ा सा आलू लेके स्टफ कर देंगे। अच्छे से स्टफ करना होगा ताकि आलू अंदर से बाहर निकल ना जाए। लोई को हम हाथों से ही प्लेट में स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल गोल परफेक्ट शेप देने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से स्प्रेड करना है जस्ट कुलचा की तरह। और ऊपर से हम थोड़ा सा कसूरी मेथी और काला जीरा ऊपर से दे देंगे और हाथों से ही उन्हें फिक्स कर देंगे। और अब हम एक गरम तवा लेंगे और उस गरम तवे में कुलचा को दे के साइड से थोड़ा सा पानी को ब्रश कर देंगे। कुलचा के ऊपर हम थोड़ा सा बटर को स्प्रेड करेंगे स्पून की मदद से, और आप चाहे तो 30 सेकंड के लिए इसे कवर करके भी पका सकते हैं। पहले 30 सेकंड हम लो फ्लेम में पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को हाई करेंगे धीरे धीरे। अब बोथ साइड को हम अच्छे से पका लेंगे। एक साइड हमारा कुलचा तैयार हो गया है, और क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है तो बोथ साइड अच्छे से हमें पकाना पड़ता है। तो ये देखिए, कुलचा हमारा तैयार है। आप इसे चिकन, मटन या किसी भी करी के साथ इसे खा सकते हैं, वेज हो या नॉन वेज। गरम गरम सर्व होने के लिए हमारा मसाला आलू कुलचा बिल्कुल तैयार है। आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। बाय।